हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जट अड्डा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी के सिलेबस के बारे में, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के बारे में। आपको इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि इसका प्रारंभिक सिलेबस क्या है और इसका मेन सिलेबस क्या है, आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपका पहला भाग प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इससे आपसे टोटल 150 प्रश्न पूछे आएंगे और इसमें आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी कि MCQ रहेगा। इसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी, यानी मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में आपसे सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इससे आपसे 100 अंकों के प्रश्न पूछे आएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन फर्स्ट से आपसे 300 अंकों के प्रश्न पूछे आएंगे और सामान्य अध्ययन सेकंड से आपसे 300 अंकों के प्रश्न पूछे आएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको सामान्य हिंदी में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप सामान्य हिंदी में 30% नंबर नहीं लाते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका पेपर एक ऐच्छिक विषय का होगा, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जो कि आपका 300 अंकों का होगा और यहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखाविद, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंध, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बंगला भाषा और साहित्य। इसके अलावा पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, इसके अलावा पाली भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य। इसमें आपके प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, उसी में से आपसे 300 अंकों के प्रश्न पूछे आएंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 120 अंकों का होगा। तो टोटल इसमें आपका पेपर 1020 अंकों का होगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपसे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसमें आपसे राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके अलावा इसमें आपसे सामान्य भूगोल से क्वेश्चन पूछे आएंगे, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे आएंगे, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन से क्वेश्चन होंगे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, इन सबसे आपसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके अलावा आपसे सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्नों से क्वेश्चन पूछे आएंगे, यहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें आपसे सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे आएंगे, जिसमें आपका निबंध से 30 अंकों के प्रश्न होंगे, व्याकरण से 20 अंकों के प्रश्न होंगे, वाक्य विन्यास से 25 अंकों के प्रश्न होंगे, संक्षेपण से 15 अंकों के प्रश्न पूछे आएंगे। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें आपके प्रश्न पत्र 1 होगा और प्रश्न पत्र 2 होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से आपसे भारत तथा आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछे आएंगे, भारत तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र से क्वेश्चन पूछे आएंगे, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके अलावा आपसे सामान्य अध्ययन पत्र 2 से क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिसमें आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से प्रश्न होंगे, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से क्वेश्चन पूछे आएंगे, यहाँ पर डिटेल में बताया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ऐच्छिक विषय की। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर लिंक दिखेगा, लिंक पर आप क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भूगोल विषय के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल वाइज आपको PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के सिलेबस की। तो इसमें आपका भू आकृति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे आएंगे, जलवायु विज्ञान से क्वेश्चन पूछे आएंगे, मृदाएं तथा वनस्पति से क्वेश्चन होंगे, महासागरीय विज्ञान से क्वेश्चन होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके बाद आपका भाग खा होगा, जिसमें आपसे मानव तथा आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसमें आपसे भौगोलिक चिंतन का विकास से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविद का योगदान, इन सबसे आपसे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मानव भूगोल से क्वेश्चन होंगे, बस्ती भूगोल से क्वेश्चन होंगे, राजनीतिक भूगोल से क्वेश्चन होंगे, आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके बाद आपका खंड सेकंड होगा, सेक्शन सेकंड, जिसमें आपसे भारत का भूगोल से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे
भौतिकी पहलू से क्वेश्चन होंगे, मानवीय पहलू से क्वेश्चन होंगे, संसाधन से क्वेश्चन पूछे आएंगे, कृषि से क्वेश्चन पूछे आएंगे, उद्योग से क्वेश्चन पूछे आएंगे, परिवहन और व्यापार से क्वेश्चन पूछे आएंगे, बस्तियों से क्वेश्चन पूछे आएंगे। इसके अलावा आप क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन से क्वेश्चन पूछे आएंगे, राजनीतिक पहलू से क्वेश्चन होंगे। बिहार के भूगोल का निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन, प्राकृतिक विभाग, मिट्टियां, वन, जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, इन सबसे आपसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। ये आपका भूगोल का सिलेबस था। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर भू विज्ञान का सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जैसे आप इतिहास का सिलेबस देख सकते हैं, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में बताया गया है। इसके बाद अगर आप सिलेबस को इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी सिलेबस दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अनअकैडमी इस समय आपको दे रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट। तो इसमें अगर आप 29 से 31 अगस्त के बीच यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक, तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी प्लान 24 महीने के लिए लेते हैं आइकॉनिक प्लान, तो उस पर आप लगभग 23,921 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप 18 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो उस पर आप 18,985 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप वही प्लान 12 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर आप लगभग 15,943 रुपये बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्लस प्लान लेते हैं तो 24 महीने के प्लान पर आप 15,570 रुपये बचा सकते हैं, 18 महीने के प्लान पर आप 13,565 रुपये बचा सकते हैं और 12 महीने के प्लान पर आप 11,638 रुपये बचा सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, वहां पर जाकर आपको यूपीएससी कोर्स सेलेक्ट करना होगा और प्लस या फिर आइकॉनिक प्लान, दोनों में से आप जो भी लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ आपका लिमिटेड समय के लिए है, 29 से 31 अगस्त तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं, तो जल्दी से इसके प्लान ले लें। इसके साथ ही आपको बता दें, अनअकैडमी द्वारा इस समय फिजिकल नोट्स बिल्कुल ही फ्री दिए जा रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी का प्लस या फिर प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 31 अगस्त 2022 से पहले फ्री में बुक्स दी जाएंगी। ये सारी बुक्स यूपीएससी की फ्री काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इन बुक्स में कंटेंट काफ़ी अच्छा है और ये ऑफर आपका 21 अगस्त 2022 तक के लिए वैलिड है। और ये बुक्स आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्लान लेना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपको दे रहा है 0% EMI पर लोन। इस लोन के द्वारा आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। इसमें आपका लोन 2 घंटे में अप्रूव किया जाएगा और इसमें आपका पेपर वर्क काफ़ी कम होगा। तो आप अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका लोन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स दिए जाते हैं, मतलब कि आपको कई सारे टीचर्स दिए जाते हैं इनसे आप पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, यानी कि आप अपने कोर्स को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, आप अपने लेक्चर्स को कई बार देख सकते हैं, जितनी बार आप उसको पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपके डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जिनमें आप टीचर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल में होते हैं। इसके अलावा आपके इन टू इन प्रिपरेशन कराई जाती है और लाइव मेंटरशिप होती है। इसमें आपको बताया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि आप मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया जाता है कि आप मेंस के पेपर में कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी के साथ मिलते हैं, इसीलिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। इस समय अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी के प्लान लेने पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट पर जाना है, वहां पर जाकर आप इसके प्लान ले सकते हैं और वहां पर जाकर आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।